तो गाइस ये है राजस्थान व्लॉग पार्ट टू। तो गाइस अभी हैं हम हल्दी घाटी में। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि हम हल्दी घाटी दिखाएंगे, तो गाइस अभी मैं हूँ हल्दी घाटी चेतक समाधि के ऊपर। ये रही उनकी चेतक और महाराणा प्रताप की मूर्ति। और गाइस यहाँ का व्यू जो दिख रहा है बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखिएगा बहुत अच्छा व्यू है। और गाइस ये व्यू देखिए। और गाइस ये व्यू देखिए। तो गाइस इसके बाद हम जाएंगे शायद म्यूजियम हल्दी घाटी के। पिछली बार तो मैं नहीं देख पाया था, तो इस बार देखेंगे। तो ये है चेतक समाधि, ये रही पीछे वो मूर्ति, और ये इधर पेड़, और ये हमारी पहाड़ी हो गई। सॉरी। और एक काम करो, क्या है इधर, क्या है पीछे आओ गाइस। ये है मूर्ति और ये है, ये बहुत छलांग मारा था। तो गाइस कहते हैं कि ये जो जगह है, इधर खड़े थे महाराणा प्रताप, तो उनको अपने एक दुश्मन को मारना था, तो महाराणा प्रताप ने अपने चेतक को लेके उधर से एक छलांग लगाई थी, तो उनका दुश्मन तो गया, तो पर साथ में चेतक की पैर भी टूटा, तो इसलिए इसके वजह से चेतक मर गया। तो इसलिए इधर ये चेतक चेतक समाधक वो है। गाइस मैं तलवार उठा रहा हूँ, वो निकाला महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप के ऊपर मारेंगे, उनके पास भी एक तलवार है। गाइस ये है मूर्ति, ये पूरी मूर्ति है। अभी ये मेरे को देखना होगा, कैसा दिखूंगा गाइस। तो ये है हल्दी घाटी। मैं आपको बताता हूँ चेतक ने कहाँ से छलांग लगाई थी महाराणा प्रताप के, वहाँ से छलांग लगा दी थी दुश्मन को मारने के लिए। व्यू इधर का बहुत अच्छा है, पहाड़ी पहाड़ है बहुत, उधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है। अभी तो गाइस हम म्यूजियम जाएंगे इसके बाद। गाइस व्यू की तो कुछ बात ही अलग है। क्या व्यू है गाइस, बहुत अच्छा व्यू है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ को, तो चलते हैं म्यूजियम। गाइस क्या ही व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है गाइस, बहुत अच्छा व्यू है गाइस। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं गाइस। अभी चेतक समाधि से तो अपने निकल रहे हैं, म्यूजियम जा रहे हैं। रास्ता तो बंद है गाइस, चलो अब चलते हैं म्यूजियम। गाइस अपने म्यूजियम में आ चुके हैं गाइस, सबके म्यूजियम में आ चुके हैं। इधर तोप है, तोप इधर चेतक।
देखना है कोई पूरा ये 40 मिनट्स का यही सब गाइस। तो अभी गेट खुला है म्यूजियम में कोई शो है तो उसका यानी कि पिक्चर्स हैं उनकी तो वो दिखा रहे हैं। श्रीमान मोहन जी शिमाली है, उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी शिमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहां की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भीड़। तो गाइस अभी अपने म्यूजियम से तो निकल चुके हैं, उधर एक यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में युद्ध के बारे में बताया गया था। तो गाइस अभी अपने जा रहे हैं म्यूजियम से, तो निकल चुके हैं म्यूजियम से, म्यूजियम के बाहर जा रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, अभी आपको और भी दिखाते हैं। तो गाइस जैसा जाना ना, तो गाइस यही थी पूरी हल्दी का थी हल्दी घाटी। तो गाइस मिलता है हमको अगले व्लॉग में। गुड बाय।